दोस्तों बॉलीवुड में अगर सबसे विवादित डायरेक्टर का जिक्र हो तो सबसे पहले सुभाष घई का नाम आता है। सुभाष घई हर बड़ी हीरोइन के साथ विवादों के घेरे में रह चुके हैं। महिमा चौधरी और मनीषा कोयराला ने तो उन पर कास्टिंग काउच का भी आरोप लगाया था। सुभाष घई के रंगीन मिजाजी कारनामों के बारे में एक किताब में भी जिक्र हुआ है। वैसे तो सुभाष घई के कई विवाद रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई है तो वो है ऐश्वर्या राय और सुभाष का विवाद। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म पाने की चाहत में ऐश्वर्या सुभाष घई के साथ सोई थी। इस बात का खुलासा शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया था। शक्ति कपूर ने कहा था कि साल 1999 में सुभाष ने ऐश्वर्या को अपनी फिल्म ताल में कास्ट करने के लिए सेक्सुअल फेवर की डिमांड की थी। इस वजह से ही ऐश्वर्या इस फिल्म का हिस्सा बनी थी। आपको बता दें, सबसे पहले फिल्म ताल के लिए सुभाष घई ने आमिर खान और महिमा चौधरी की घोषणा की थी। फिर इसके कुछ दिन बाद उन्होंने इसमें अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और मनीषा कोयराला का नाम लिया था। लेकिन अचानक फिल्म में ऐश्वर्या का दिखना सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी। ताल फिल्म ऐश्वर्या के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और इस फिल्म ने ही ऐश्वर्या को उनके करियर में खास पहचान दिलाई थी। तो दोस्तों, ऐश्वर्या और सुभाष घई के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड की ऐसी ही मसालेदार और चटपटी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।